सीधा सादा बाणा, बाप की पगड़ी का छोरी जित माने जान बढ़ाना। मैं आपकी बहनें कितनी है पहले? मेरी 6 बहनें, एक मैं 7 है। मतलब 7 बहनें हो? 7 बहनें। भाई है आपके? नहीं नहीं भाई नहीं है, मतलब 7 बहनें हो आप। हाँ। स्टेज पे चढ़े थे, कुछ पैरों में कंपन वगैरह थी? हाँ कंपन थी, लेकिन फिर टीचर्स ने मतलब स्पोर्ट की तो वो हो गया। सेकंड राउंड हमने दोनों ने क्लियर किया, फीस भी भर दी थी। फिर थर्ड राउंड से ऐसा हुआ था, अच्छा, और फीस नहीं बन पाई, 1200 रुपए फीस लगनी थी। फिर उसने बोला कि दीदी आप जाओ, मैं रहने देती हूँ, आप आगे चले जाओ। चम देश रा भारत, भारत में हरियाणा, देशम देश रा भारत, भारत में हरियाणा। छोटे से गांव नीवला से जो है पंजाब में जाकर एक ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लेना और उस कार्यक्रम के अंदर सेकंड पोजीशन हासिल करना बहुत बड़ी बात है। एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार और मैं हूं अनिल चौधरी, और आज मैं मौजूद हूं एलनाबाद हलके के गांव नीमला के अंदर, और वहां पर मेरे आने का मकसद है एक बेटी है जो उसकी 6 बहनें हैं और ऐसी टैलेंटेड है कि थोड़े दिन पहले जो कार्यक्रम हुआ था डीडी पंजाबी चैनल के ऊपर, किसमें कितना है दम, उसके अंदर उसने अवार्ड जीता, और उसका घर जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हुनर जो है वो किसी पैसे का जो है मोहताज नहीं होता, कहीं से भी जो है हुनर वो हासिल कर सकता है बच्चा, इस छोटे से इस गरीब परिवार से जिसकी 6 बहनें हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ी है। पहले मैं उसका घर दिखा देता हूँ आपको, चलते हैं हम लोग उसका घर देखते हैं कि कैसा उसका घर है। और ये जो भी बेटी है वो लगभग जो है काफ़ी सालों से जो है गाने की प्रैक्टिस कर रही है, सरकारी स्कूल के अंदर पढ़कर जो इस बेटी ने जो है ये मुकाम हासिल किया। और जब ये कार्यक्रम होना शुरू हुआ था, अगर DD1 की अगर बात करें, DD पंजाबी की टीम जो है यहाँ पर आई थी और सभी टैलेंटेड जो बच्चे हैं उनके टैलेंट के लिए गांव के अंदर जब आया था, तब बच्ची ने जो है इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, और उसके बाद में जो है ये बेटी पहुँची, और कहाँ पहुँची और कैसे कैसे ये कार्यक्रम हुआ वो हम उस बेटी से जानेंगे, उसकी 7 बहनों के बारे में भी पूछेंगे, कैसी उसकी पढ़ाई चल रही है उसके बारे में पूछेंगे, और किस किस ने जो है यहाँ पर आप उसका आगे जाने में सहयोग किया वो भी हम लोग इस बेटी रीना से जानते हैं। आइए चलिए, कैसे हो बेटा? अच्छे हैं, आप बताओ? एकदम बढ़िया। कैसे रहा आपका कार्यक्रम, कौन से कार्यक्रम में गए थे पहले ये बताइए आप? मैं किसमें कितना एकदम टीवी रियलिटी शो में गई थी, तो उसी के अंदर मतलब फर्स्ट रनर। अच्छा ना, कहाँ तक एजुकेशन पढ़ाई कहाँ तक की आपने अभी तक? मैं अभी प्लस वन में 10th के एग्जाम दिए मैंने, 10th के एग्जाम बोर्ड दिया, बोर्ड के, तो वहाँ पे मेरी मेरिट थी 86% जो मार्क्स हैं आपके आए थे। तो गांव, एक छोटे से गांव के अंदर एक छोटे से परिवार में आपकी बहनें कितनी है पहले ये? मेरी 6 बहनें, एक मैं 7 है। मतलब 7 बहनें हो? 7 बहनें। भाई है आपके? नहीं नहीं भाई नहीं है, मतलब 7 बहनें हो आप। हाँ हाँ। तो आपने गाने का जो हुनर है वो हुनर कब से आया, कब आपने पहली बार गाना जो है गाने की सोची आपने? मैं 6th क्लास में थी, तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, फिर घर से प्रैक्टिस की थी। 6th क्लास में मैंने स्कूल में परफॉर्मेंस दी थी। परफॉर्मेंस दी पहली बार? हाँ। तो स्कूल में कैसा, क्या कार्यक्रम था? हाँ, स्कूल में 15 अगस्त, 26 जनवरी, इन्हीं इस तरह का एक कार्यक्रम था। मतलब कैसा लगा पहली बार गाना गाकर सभी इतने सारे लोगों के सामने, कैसा मतलब मन में कैसा था? स्टेज पे चढ़े थे, कुछ पैरों में कंपन वगैरह थी? हाँ कंपन थी, लेकिन फिर टीचर्स ने मतलब सपोर्ट की तो वो हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, खत्म हो गया। मतलब पहली बार जब आपने स्टेज पे परफॉर्मेंस दी और उसके बाद में जब दूसरी बार आप स्टेज पे चढ़े तो आप में कॉन्फिडेंस पूरा था? पूरा कॉन्फिडेंस हो गया। तो फिर हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी के कोई कार्यक्रम आपने नहीं छोड़े होंगे? नहीं नहीं नहीं, फिर तो सभी के अंदर पार्टिसिपेट। हाँ, मैं ओनली सिंगिंग में नहीं, मतलब डांसिंग वगैरह में भी, मिमिक्री में भी ऑलराउंडर हो, बात ये है आपकी, बहुत अच्छी बात है। तो किसमें कितना है दम ये कार्यक्रम कब से जो है शुरू हुआ था, यहाँ पर कैसे आप उनके पास पहुँचे, और ये कार्यक्रम जो फाइनल हुआ था फिनाले वो कहाँ हुआ था पहले ये बताओ? ये तो हुआ था अपने, कौन सा शहर था?
संगरूर दूरी, संगरूर के दूरी, दूरी, हाँ, दूरी, दूरी के अंदर हुआ था। पंजाब के संगरूर की दूरी के अंदर जो है ये किसमें कितना है दम। डीडी पंजाबी चैनल पर मैं आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम हुआ था, उसके अंदर जो टैलेंटेड बच्चे थे, कोई भी टैलेंट उनके अंदर, चाहे मिमिक्री का टैलेंट हो, चाहे सिंगिंग का टैलेंट हो, वो बच्चे जो है यहाँ से दूर दराज के एरिया से, सिरसा जिला से भी गए थे, पंजाब से भी गए थे, अलग अलग जगहों से जो गए थे। तो ये बच्ची वहाँ पर पहुँची, कैसे उसने पोजिशन हासिल की, तो क्या हुआ था, कितने राउंड थे वहाँ पर? वहाँ पर टोटल 5 राउंड थे। फर्स्ट राउंड हमारे इलाहाबाद में हुआ था, फर्स्ट और सेकेंड, और थर्ड फोर्थ सिरसा में हुआ था। अच्छा, थर्ड फोर्थ सिरसा के अंदर हुआ। फर्स्ट फ्री था, फिर सेकंड में फीस लगने स्टार्ट हो गई। उसके बाद फीस लगी थी। हाँ। तो मतलब कितनी फीस लगी थी, कितना खर्चा आ गया था? फीस वो तो बहुत हो गया था, लगभग 30-35 हज़ार रुपए लग गए थे। 30-35 हज़ार पूरे कार्यक्रम में? हाँ जी। अच्छा, इतना खर्च कैसे सहन कर पाए, मतलब एक नॉर्मल परिवार, आपके पापा मैंने सुना है कि मजदूरी करते हैं। हाँ, पापा मजदूरी करते हैं। वो जो मतलब आपको एक खुशी जरूर थी कि ये कार्यक्रम में जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि पैसों की कमी की वजह से मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ या ना पहुँच। बहुत था, लेकिन हम दो बहने थी, दोनों सिंगिंग में थी, तो सेकंड राउंड हमने दोनों ने क्लियर किया, फीस भी भर दी थी। फिर थर्ड राउंड सिरसा हुआ था, फीस नहीं बन पाई, 1200 रुपए फीस लगनी थी। फिर उसने बोला कि दीदी आप जाओ, मैं रहने देती हूँ, आप आगे चले जाओ। अच्छा, मतलब कोई और भी बच्ची थी, उसको जाना था, मतलब मेरी सिस्टर थी, आपकी सिस्टर थी, उसने कैंसिल करके आप चले गए। हाँ, फिर मुझे भेज दिया। मतलब देखिए, दोनों के अंदर टैलेंट था, लेकिन अपनी बहन को आगे ले जाने के लिए एक बहन को जो है कार्यक्रम में जाना कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि गरीब परिवार है, मजदूरी करते हैं और 7 बहनें हैं, तब क्या है कि ऐसे छोटे छोटे सैक्रिफाइस हर जगह जो है करने पड़ते हैं, अपने टैलेंट को भी जो है छुपाना पड़ता है पैसे की कमी की वजह से। तो उसके बाद में सिरसा के बाद में जब आप पंजाब में गए, तो वहाँ पे भी खर्चा आया हुआ? हाँ, पंजाब में मतलब जाने का भी खर्चा आ गया था, पापा को काम भी छोड़ना पड़ा उस दिन, तो वो भी हो गया था उस दिन। मतलब वोट थे 5 अक्टूबर को। अच्छा, तो उस दिन था। अच्छा, वोटिंग वाले दिन। हाँ, और वहाँ पे फीस भी लगनी थी, पहले ऑनलाइन पेमेंट करवाई थी। अच्छा, ऑनलाइन पेमेंट करवाई थी आपने। तो उसके बाद की अगर बात करें, तो सबसे पहले आप कोई मुझे गाना गाकर सुनाओ, जो आपने वहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर पहला गाना जो पहले राउंड में जब गाया था आपने, वो वाला गाना मुझे सुनाओ। मैंने हरियाणवी रागनी की गाई थी, क्योंकि मुझे हरियाणवी मतलब कल्चर को आगे बढ़ाना, वो भी थोड़ा मतलब अच्छा लगता है। ठीक है, हरियाणवी कल्चर से। तो कल के दिन 1 नवंबर था, तो हरियाणा दिवस था, और मैंने फर्स्ट राउंड में भी हरियाणवी रागनी गाए थे। अच्छा, हरियाणा दिवस, हरियाणवी रागनी, हरियाणा से है, तो बेटी जो है हमें एक हरियाणी रागनी जो है वो सुनाएगी। अभी गाओ आप। हो मर्द सूरमा वीर कमेरी रागनिया का गाना, देश धर्म जित जान ते प्यारा, हेरे बालक होया शाना। मर्द सूरमा वीर कमेरी, मर्द सूरमा वीर कमेरी, रागनिया का गाना, देश धर्म जित जान ते प्यारा, बालक होया शाना। हेरा लंबे तगड़े छैल गाबरू, हेरा रे रे हेरा रे रे हेरा रे रे रे, हेरा लंबे तगड़े छैल गाबरू, सीधा सादा बाणा, बाप की पगड़ी का छोरी जित माने जान बढ़ाना। देश में देश रे भारत, भारत में हरियाणा, देश में देश रे भारत, भारत में हरियाणा, देश में देश रे भारत, भारत में हरियाणा। कितना अच्छा जो गाना है बेटी ने गाया है, कि कैसे बाप की पगड़ी का मान जो है, सभी बेटियों के लिए था कि अपनी बाप की पगड़ी का मान बढ़ाना, और इस बेटी ने जो है अपने बाप की पगड़ी का मान बढ़ाया है, सच्ची में बढ़ाया। क्योंकि अगर बात करें अपने छोटे से गांव नीवला से जो है पंजाब में जाकर एक ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लेना और उस कार्यक्रम के अंदर सेकेंड पोजिशन हासिल करना बहुत बड़ी बात है। छोटा सा गाँव नीवला और उससे निकल कर सिरसा, एलनाबाद, फिर सिरसा, और उसके बाद पंजाब के अंदर जो परफॉर्मेंस थी, और पहला गाना था वो
था हरियाणवी गाना और अपने हरियाणा के ऊपर मान है, अपने हरियाणा के ऊपर? हाँ जी बहुत मान है। तो हरियाणा वासियों, ऐसा जो टैलेंट आपके आसपास कहीं पे भी, रीना जैसा कहीं पे मिलता, और मैं एलनाबाद वासियों को भी कहता हूँ कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। तो उसके बाद में आगे भविष्य में आपका क्या प्लान है? मेरा भविष्य में ये है कि एक अच्छी कलाकार बनूं और मतलब लड़कियों की एक अच्छी मॉडल बनूं कि मेरे जैसे बने, तो यही बस। तो एक चीज़ और है, आपने प्लस वन बताया कि पढ़ाई हुई है, सात बहनें हैं, कहीं ना कहीं कई बार बहुत सारी मुसीबतें आपको झेलनी पड़ी होंगी इतना बड़ा परिवार होने के बाद में, क्योंकि भाई अभी नहीं है, लगभग बहनें हैं सारी की सारी। हाँ। और उनका खर्चा निकालना, तो अब स्टडी के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको आई होंगी? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई है। मैंने जैसे आपको बताया कि फोर्थ राउंड हुआ था मेरा सिरसा, तो पापा तो गए थे फिफ्थ राउंड में साथ में, पहले पापा गए ही नहीं थे क्यों, टाइम नहीं मिलता, काम पे जाते हैं फिर भी घर चलता है, तो मेरी सिस्टर वही साथ में जाती है और वही मेरा प्रोग्राम दिला के आ जाती है। अब इनकी माँ है, एक बार इधर आइएगा, आपसे भी मैं बात करूँ, किस तरह बेटी जो है पंजाब के अंदर एक कार्यक्रम में गई है, तो उस कार्यक्रम के अंदर जाके जब अवार्ड जीत के आई, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा जी, बढ़िया लगा। सात बेटियां हैं लगभग, बेटियों में कितनी बेटियों में टैलेंट आपको लग रहा है? वैसे क्या होता है कि लड़कियां जब इतनी होती है लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन भाग्य का लेकर आती है, अपने साथ में लेकर आती है, तो इस बच्ची, ये बच्ची जो है टैलेंट लेकर आई है अपने साथ में, तो आगे बढ़ रही है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा। अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, आपको भी बोलना है कुछ, बताओ क्या बोलना है? बोलना है, ये भी टैलेंट वाली। अच्छा, आगे आपको भी परफॉर्मेंस दिखानी है यहाँ पर। तो रीना, आगे की बात करूं तो कहां पर क्या कौन से टैलेंट शो, आपने भी बताया थोड़ी देर पहले हम लोग जब बातचीत कर रहे थे, कौन से टैलेंट शो के अंदर? मैं अब जाना चाहती हूं इंडिया सिंगिंग आइकन में, ऑनलाइन ऑडिशन चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी पेमेंट की प्रॉब्लम है। पेमेंट की प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, तो आप लोगों से निवेदन है कि नीमला की जो ये बेटी है उसका सहयोग जो है वो किया जाए, ताकि क्या है कि ये बेटी जो है आगे बढ़ सके, इसके अंदर टैलेंट है, सिंगिंग का टैलेंट है, और भी हम जो है एक बार हिंदी गाना और भी सुनते हैं इस बेटी से, कोई हिंदी गाना भी सुनाइए हमें। हिंदी गाना मैं आपको भजन सुना दूं? भजन सुना दो। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्स दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्स दीवानी, एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्स दीवानी। बहुत अच्छी आवाज़, बहुत ही शानदार आवाज़, और ये जो टैलेंट है वो कभी पीछे हटना नहीं चाहिए, आप लोगों के सहयोग के साथ में ये टैलेंट हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए, ज़रूरतें इतनी है, और उसके अंदर ज़रूरतों की अगर बात करें तो कुछ संसाधन ऐसे हैं, आपको यहाँ पर मैं इस हारमोनियम दिखा देता हूँ कि इस जो हारमोनियम है ये बिल्कुल खस्ता हालत के अंदर है, क्योंकि ये अपने टैलेंट किसके अंदर है, लेकिन वो पैसों की कमी की वजह से ऐसे संसाधन है जो सिंगिंग से जुड़े हुए संसाधन हैं उनको जुटा नहीं पा रहे, और उन संसाधनों की कमी की वजह से जो ये टैलेंट है इस बच्ची के अंदर, जो कला है उस कला को अगर आगे ले जाने के अंदर बहुत समस्या आ रही थी। इवन बच्ची ने मुझे ये बताया कि जब वो इस कंपटीशन के अंदर जा रही थी, उनके किराए के पैसे की अगर बात करें तो उसके अंदर भी उनको अड़चन आई, वहाँ तक जाने में भी प्रॉब्लम जो है इस बच्ची को वहां पर आई थी। तो ऐसा टैलेंट हरियाणा के सिरसा जिला के एलनाबाद कस्बे की अगर मैं बात करूं, एलनाबाद तहसील की अगर बात करूं, नीमला गांव से ये बेटी रीना जो है, ये बहुत अच्छा टैलेंट इस बच्ची के अंदर है, और बच्ची जो है बहुत आगे जो है जाए ये हमारी कामना है, इसकी आवाज़ मैंने सुनी है, और इसी तरह जो आप टैलेंट को सपोर्ट जरूर करते रहें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस बेटी रीना की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सहयोग जो है सामाजिक संस्थाएँ जो हम लोग रोज़ाना देखते हैं वो कहीं ना कहीं मदद करती है, तो इस बेटी की मदद भी जरूर करें, ताकि ये अवार्ड जो यहाँ पर देख रहे हैं
अवार्ड्स का जो है झड़ी यहाँ पर लग जाए और ये चारपाई जो आधी भरी हुई है अवार्ड से, ये पूरी की पूरी चारपाई जो है यहाँ पर इसकी अवार्ड से भर जाए। तो ये जो गाने आप गाते हो कहाँ सुनते हो, आपके पास मोबाइल फोन है? नहीं, मोबाइल फोन वगैरह तो नहीं है, बस चलते फिरते मतलब इधर उधर सुन लेते हो। हाँ। तो बहुत समस्या आती क्योंकि आजकल मोबाइल जो है बहुत बड़ी भूमिका जो है निभाता है टैलेंट को आगे लेकर आने में, सोशल मीडिया के साथ ही हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं बहुत मदद करते हैं इस चीज़ के अंदर। अगर आपके पास में ऐसा कोई सुविधा हो तो आप मतलब बहुत आगे बढ़ सकती हैं। हाँ, जरूर, और फिर मतलब लोगों को पता भी लगेगी कि मेरे अंदर टैलेंट है, कोई आवाज का टैलेंट है। तो जरूर जो है सोशल मीडिया पे जो साथी वीडियोस देख रहे हैं वो मदद जरूर करेंगे इस बेटी की। गांव में आकर उनके पिता से भी हम लोग बात करवाते हैं। क्या नाम है आपका? सज्जन कुमार है। सज्जन कुमार, क्या काम करते हो? मजदूरी का काम है। मजदूरी का काम आप करते हो। तो आपकी बेटी जो है टैलेंट है, सिंगिंग का टैलेंट है, अभी पंजाब में जाकर आई, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब आपको खुशी महसूस हुई जिस दिन जो अवार्ड लेकर जो यहाँ पर पहुँची थी? मैं तो सर बयान नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी मेरे को। और मैं खुश नसीब हूँ कि ऐसी बेटी मेरे घर पे हुई है। ठीक है। तो जैसे स्कूल में भी गए थे उस अवार्ड मिलने के बाद में? देखिए जी, मैं स्कूल में नहीं गई थी जब, मतलब गांव वालों ने और जो लोग अवार्ड जीत के आए थे मतलब बच्ची को शाबाशी देने के लिए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए कोई पहुँचा था यहाँ पर? नहीं जी, कोई नहीं है, कोई नहीं पहुँचा था। ठीक है। तो इस तरह हम अगर बात करें तो ऐसे टैलेंट का जो है सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, चाहे वो निमला गांव से हो, चाहे अलनाबाद के आसपास से हो, बहुत बड़ी विडंबना है कि ऐसे टैलेंट को हम लोग ऐसे ही दबा देते हैं। हम इवन ऐसे ही कुछ चलते फिरते खर्चा कर देते हैं, लेकिन ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को जो उनकी टैलेंट है उनको आगे लेकर आने के अंदर हम लोग मदद नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप भी इस बेटी रीना को आगे पहुंचाने के लिए, उनके गांव नीमला में पहुंचकर उसका सहयोग करके भी आप लोग जो है इस बेटी को आगे लेकर जा सकते हैं। तो वीडियो जो आप लोग ई समाचार पर देख रहे थे, मैं हूँ अनिल चौधरी, धन्यवाद।